सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया ऑटो व्लॉग्स। आज हम आए हैं ऑटो एक्सपो 2020, जहां पर मारुति ने अनवील कर दिया अपनी ऑल न्यू सब कॉम्पैक्ट मारुति विटारा ब्रेजा 2020 इन पेट्रोल वेरिएंट। इसके अंदर अब आपको मिलता है 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 104 की BHP एंड 138 NM का टॉर्क। वहीं अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो फ्रंट में आपको एज सच ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब आपको मिलते हैं ट्विन स्लैट के अंदर क्रोम ग्रिल, और वहीं जो मेजर चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा वो इसके हेडलैम्प्स में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। वहीं आप अगर अंडरनीथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको LED फॉग लैम्प्स मिलता है, जिसके अंदर आपको क्रोम की एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं आपको DRL अप प्लेस्ड ऑन मिल जाती है इसके हेडलैम्प्स पर, और ट्विन चैम्बर के अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं जो कि LED के अंदर प्लेस्ड ऑन है। वहीं नीचे आपको वहीं जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको LED DRLs के अंदर ही प्लेस्ड ऑन मिल जाते हैं। जब आप इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो LED DRL कन्वर्ट हो जाती है इंडिकेटर के अंदर। कुछ इस तरीके का आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल का लुक देखने के लिए मिलता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ओवरऑल आपको इसका जो डिज़ाइन है फ्रंट लुक वो आपको कैसी लग रही है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वर्जन। वहीं अगर मैं साइड लुक की बात करूं तो ओवरऑल आपको साइड में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको इसके अलॉय व्हील्स में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। जो टायर साइज़ है वो आपको पहले वाला ही मिलता है, डायमंड कट आपको अलॉय व्हील्स इस बार इसके अंदर प्लेस्ड ऑन मिल जाते हैं। वहीं साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो एज सच कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी ये मैं आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट दिखा रहा हूँ विद माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के अंदर ही मिलता है, मैनुअल के अंदर आपको हाइब्रिड वर्जन अवेलेबल नहीं होता है। वहीं अगर मैं साइड लुक की बात करूं तो आप देख सकते हो जो साइड्स हैं यहां पर आपको जो बैक में है यहां पर आपको स्पॉइलर अवेलेबल मिल जाता है, और स्पॉइलर के नीचे ही आपको एज सच कुछ पैटर्न डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। वहीं अगर मैं इसके एज सच प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी तक इसकी जो प्राइसिंग है वो अनवील नहीं हुई है, बट इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको थोड़ी सी सिमिलर मिलेगी नेक्सॉन के कंपैरेटिव। वहीं अगर बैक लुक की बात करूँ तो बैक में आपको कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके जो टेल लैम्प्स हैं उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि अब LED टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लुक देते हैं अगर आप इसको नाइट में ड्राइव करते हैं। सो रोड प्रेजेंस आपको ऑब्वियसली इस बार मिलने वाली है। बाकी अगर डोर गार्निश वगैरह की बात करूँ तो उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया। नीचे आपको फॉक्स किट प्लेट देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको जो डुअल टोन कलर्स हैं उसके बॉडी एलिमेंट्स आपको स्किट प्लेट में भी देखने के लिए मिलते हैं, और वही सेम आपको इसके इंटीरियर के अंदर भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बूट की बात करूँ तो बूट आपको इस बार इलेक्ट्रॉनिक मिलता है। आप यहाँ पर टॉप मॉडल के अंदर इसको बटन को प्रेस करेंगे तो बूट आपका ओपन हो जाएगा। वहीं ये जो आप हर्ट्ज की बेस ट्यूब देख रहे हैं ये सिर्फ एज अ रेफरेंस इसके अंदर लगाई हुई है, आपको नहीं मिलेगी। स्पेयर व्हील आपको इसके अंदर मिलता है स्टील रिम का स्पेयर व्हील, इसके अंदर आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा एज अ स्पेयर व्हील। वहीं अब चलते हैं इसके अंदर की साइड और अब मैं आपको इसका थोड़ा इंटीरियर दिखाता हूँ कि ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है वो कैसा है। इंटीरियर में भी आपको ऐसा कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़े से बॉडी ट्वीट्स इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आप देख सकते हैं जो बॉडी कलर्ड एसेंट वर्क है वो आपको यहाँ पर इसके एलिमेंट्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। सेंटर कंसोल में भी आपको अवेलेबल मिलता है और AC यूनिट के पास भी आपको अवेलेबल मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके बात करूँ इसके स्टेयरिंग व्हील की तो वही स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है, बट इस बार आपको क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर ऐड ऑन मिल जाता है। जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो आपको रिट्रैक्टेबल और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। वहीं आपको जो ड्राइवर सीट है वो आप हाइट एडजस्टमेंट इसके यूज़ कर सकते हैं, और जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। वहीं जो सीट्स हैं वो आपको मिलती हैं, जो आर्टिफिशियल लेदर वर्क है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। जो स्क्रीन आपको इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है वो आपको मिलते हैं स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ। 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका ग्लव बॉक्स है वो आपको यहाँ पर थोड़े से यूटिलिटी स्पेस आपको ग्लव बॉक्स पे भी मिलते हैं, और उसके ऊपर भी डैशबोर्ड पर अवेलेबल मिल जाते हैं। इस बार आपको यहाँ पर मिलता है सनग्लास होल्डर, वैनिटी मिरर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं को ड्राइवर साइड, और वहीं जो IRVM है वो आपको इस बार मिलता है ऑटो डिमिंग IRVM, सेम जो आपने बलेनो के अंदर देखा है वही आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको थोड़ा सा चेंज देखने के लिए ज़रूर इस बार मिलेगा। वहीं अब चलते हैं बैक साइड, और बैक साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल कैसा आपको पीछे से इसका व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रैबिंग हैंडल है उसको चेंज किया गया, जो पहले से ज़्यादा वाइड हो गया है और अब
काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। वहीं आप देख सकते हैं जो इसका आर्म रेस्ट है, आपको पीछे मिलता है आर्म रेस्ट जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स अवेलेबल मिल जाते हैं। बाकी सीट कवर्स पर भी आपको जो बॉडी ट्यूट्स हैं उसका वर्क देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने के लिए मिलता है। अगर आप पीछे से देखते हैं इसकी सेंटर कंसोल का, आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अब मैं कार के अंदर बैठता हूँ और आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ कि क्या आपको इसका लेग स्पेस वगैरह देखने के लिए मिलता है। सो अभी आप देख सकते हो लेग स्पेस आपको अच्छा खासा मिल रहा है। ड्राइवर सीट के पीछे आपको एक लैम्प बल जाएगा जिसके ऊपर आप 3 kg तक का कोई भी सामान आप इजीली कैरी कर सकते हैं। हेडरूम आपको यहाँ पर अच्छा खासा अवेलेबल हो जाता है। सो गाइज, ये है कुछ ओवरऑल शॉर्ट रिव्यू अबाउट ऑल न्यू विटारा ब्रेजा 2020 इन पेट्रोल वर्जन। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। बाकी जब इसकी प्राइसिंग अनवील हो जाएगी तो वो भी उसके लिए मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना और ऑटो एक्सपो की और डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।